हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो उन तमाम लोगों को पसंद आएगा जिनके यहाँ किचन या कैट्स हैं। तो आइए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल होता है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट सिर्फ खूबसूरत दिखता ही नहीं बल्कि ये काफ़ी मजबूत भी है। आफ्टर ऑल, जैसा कि आप सब जानते होंगे, अमेजोन बेसिक्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। मार्केट में और भी सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलते हैं बट वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते। मैं पर्सनली अमेजोन बेसिक से प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करता हूँ ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी। ओके, सो फाइनली द बॉक्स इज ओपन। ये इसकी बुकलेट है, इसमें इसके इंस्टॉलेशन को कैसे करना है सब कुछ गाइडेंस दिया हुआ है। ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट इसमें समझाया है। ये इसके पिलर्स हैं और इस पे रस्सियां बंधी हुई हैं और ये एक मेल पोर्ट है। ये पिंस लगी हुई हैं इस रस्सी को इस बॉक्स पे मर्ज करने के लिए, कायदे से अटैच हैं और इसको छू के पता चलता है ये काफी ड्यूरेबल है। और कुछ पिलर्स और दिए हैं, इनके ऊपर अल्फाबेट्स दिए हैं, जैसे कि ये ई है, दोनों तरफ ये फीमेल पोर्ट है। कुछ पिलर्स और, इसमें अल्फाबेट बी लिखा है, ये भी फीमेल पोर्ट्स हैं बोथ साइड्स। ये पिलर काफ़ी मजबूत है और इसमें रस्सियां बंधी हैं जिस पे आपकी कैट या किटन स्क्रैच करेगी और स्ट्रेच करेगी अपनी बॉडी को। काफ़ी मजबूत है ये। ये इसकी ट्रे है और ये काफ़ी हार्ड बोर्ड से बनी हुई है। ये कुछ MDF बोर्ड जैसा है, पार्टिकल बोर्ड जैसा, और इस पे ये क्लॉथ काफ़ी कोजी है, काफ़ी आरामदेह है। और इसका जो डायमीटर है ये लगभग देखा जाए तो अराउंड 12 इंच के आसपास का है, जो कि एक एडल्ट कैट के लिए भी सफिशियंट है क्योंकि कैट कभी सीधी नहीं लेटती, वो हमेशा बॉडी को राउंड करके लेटती है। ये पिलर और, ये मेल पोर्ट है, एक तरफ फीमेल है, उसमें अल्फाबेट्स भी दिए हैं। एक बार स्केल से मैं आपको नाप के दिखाऊँ तो अबाउट 12 इंच के आसपास है, देखना आप ये पूरी बड़ी वाली स्केल के अराउंड है। अब ये इसकी ट्रेज हैं जिसके ऊपर आपके पिलर्स माउंट होंगे। इसका भी डायमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी मेरे ख्याल से 18 इंच के आसपास होगा, 1.5 फिट के आसपास। और इसमें ये देखिए होल्स दिए गए हैं जिस पे आप पिलर्स को माउंट कर सकते हैं। ये भी पार्टिकल बोर्ड का बना है और इस पे भी अल्फाबेट दिया है। ये वॉशर के लिए होल है ताकि वॉशर के साथ आप नट बोर्ड लगा सकें और वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा। काफ़ी हार्ड बोर्ड है बट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे पानी से बचाना होगा क्योंकि पार्टिकल बोर्ड पे पानी पड़ना काफ़ी नुकसानदेह है। ये देखिए, इसमें होल्स दिए हैं, हर ट्रे में आपको होल मिलेंगे। इस पे अल्फाबेट F लिखा है। ये एक ट्रे और है ट्रायंगुलर, इसमें भी होल्स दिए हैं। अच्छा, एक होल है इसमें। ओके, और तीन नट्स हैं इसमें जिसमें कि बोल्ट टाइट होगा। काफी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों इसकी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेजोन बेसिक्स के प्रोडक्ट काफी ड्यूरेबल होते हैं, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। देखिए, इसमें कुछ नट बोल्ट्स दिए गए हैं वॉशर के साथ।
ये हैं इसके नट बोल्ट्स, चार वॉशर हैं, और ये एलिंकी वाले नट बोल्ट्स हैं। साथ में आपको एलिंकी भी दी गई है जिससे कि आप DIY कर सकें। ये इस तरह से चलिए दोस्तों इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। ये सब चीज़ें मिली हैं आउट ऑफ द बॉक्स। ये एक मैनुअल, ये पिलर्स बोथ साइड फीमेल, नो इट्स वन साइड फीमेल एंड द अदर साइड मेल, चार पिलर्स हैं। ये नट बोल्ट्स हैं, ये तीन पिलर्स हैं बोथ साइड फीमेल, ये टॉप ट्रे है, ये एक ट्रायंगुलर ट्रे है। दिस इज द होल थिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कियान इज एंजॉयिंग इट। चलिए इसको जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए इस पे अल्फाबेट L लिखा है और इसमें ये वॉशर इस तरह से लगेगा। फिर ये बोल्ट ऐसे टाइट होगा। कुछ इस तरह से दोस्तों आप इसकी फिनिश देखिए कितनी अच्छी फिनिश है प्रोडक्ट की। अब मेरे ख्याल से इसमें एक फीमेल पोर्ट लगाना है आपको। लेट्स क्विकली इंस्टॉल इट। दोस्तों ये इसका बेस तैयार हो गया है तो आइए जल्दी से इसको टाइट करते हैं। इस एलंकी से आपको इसे धीरे धीरे टाइट करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, इसको धीरे धीरे टाइट कर सकते हैं आप कुछ इस तरह से। इसका आखिरी स्क्रू टाइट कर दें। दोस्तों ये इसका बेस तैयार हो गया है तीन पिलर्स के साथ। अब बारी आती है नेक्स्ट ट्रे की जो इसके ऊपर माउंट होगी। ये देखिए इस पे अल्फाबेट B लिखा है तीनों पे, तो इसमें ये वाला बोल्ट लगेगा जिसमें दोनों तरफ चूड़ियां बनी हैं। ये दो मैंने टाइट कर दी हैं ऑलरेडी, तीसरा मैं टाइट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। शायद आप समझ गए होंगे आप कि ये फीमेल पिलर्स क्यों दिए गए थे। ये टाइट होने के बाद हम लोग इसकी ट्रे इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। ये देखिए इस ट्रे पे भी नीचे अल्फाबेट F दिया है जो कि आपकी बुकलेट में मेंशन है। अगर आप कंफ्यूज हो तो एक बार अपनी बुकलेट को ज़रूर देखें। ये देखिए इसमें से आपको बोल्ट माउंट करना है जो कि इस तरह से हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट पिलर्स की। एक तरफ मेल पोर्ट, ये अल्फाबेट E लिखा है, और दूसरी तरफ फीमेल पोर्ट जो कि इस पे माउंट होंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों कोशिश करिएगा कि इसकी जो माउंटिंग वाली चूड़ियां हैं वो तो बिल्कुल सीधी हों। कई लोग जल्दबाजी में चूड़ियां टेढ़ी कर देते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रख के
आप इसको माउंट करिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। इसका इंस्टॉलेशन करने में दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए, जब तक ये टाइट ना हो जाए तब तक आप इसको घुमाते रहिए। ये हमारा आखिरी पिलर स्ट्रे का, जल्दी से इसको माउंट करते हैं। दोस्तों इस कैट ट्री की वजह से हमारे घर के सोफा जो कारपेट्स बच जाएंगे, क्योंकि अक्सर बिल्लियां और किटन्स सोफे पे स्क्रैच करके उसे फाड़ देती हैं, वो डैमेज हो जाता है। तो ये आपके सोफा जो कारपेट्स को भी बचा लेगा। फाइनली ये हमारा सेकंड ट्रे भी माउंट हो गई। अब ये थर्ड ट्रे जो इसके ऊपर फिट होगी, ये फोर्थ नट और वॉशर है जो कि इस जगह माउंट होगा। इस तरह से ये आपका लास्ट पिलर सबसे ऊपर माउंट होगा। कुछ इस तरह से फाइनली इस ट्रे को माउंट करने की बारी है, जो कि इसके मेल पोर्ट में माउंट होगा। उस ट्रे में ऑलरेडी एक बोल्ट इनबिल्ट है, तो आपको धीरे धीरे बस उसे टाइट करना है। कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आपके घर पे मल्टीपल किटन्स हैं तो उनके लिए ये ट्री बेस्ट है। ये करीब दो ट्रे और सबसे टॉप लोडिंग ट्रे, इन टोटल 3 ट्रेज वाला है। इसमें 2 ट्रे का ऑप्शन भी आता है अगर आपके पास सिंगल किटन है उसके लिए, बट ये प्रेफर वो लोग करें जिनके पास मोर देन 1 किटन है। चलिए जल्दी से इसके स्क्रूज टाइट कर दिए जाएं। दोस्तों ये लगने के बाद ये काफ़ी स्टर्डी है, मतलब ये आप इसको अगर हिलाएंगे तो ये हिलेगा भी नहीं ज़्यादा, काफ़ी स्टर्डी है। मुझे डाउट था जब मैं ऑर्डर कर रहा था कि पता नहीं ये इतना स्टर्डी होगा कि नहीं, जब बिल्लियाँ इस पर कूदेंगी इस पर खेलेंगी तो कहीं ये ढीला ना पड़ जाए, बट नहीं, काफ़ी मजबूत है ये। ये देखिए फाइनली हमारे प्यारे मैक्स इस पर इंजॉय करते हुए। ये मेरा 2.5 मंथ्स का किचन है एंड दिस इज द लुक फाइनली। मैक्स इज एंजॉयिंग ऑन द टॉप ट्रे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये ट्री, बहुत ही आई कैचिंग है। अगर आपके घर पे आपके फ्रेंड्स या गेस्ट आते हैं तो काफी आई कैची है उनके लिए। ये देखिए मैक्स इज रियली एंजॉयिंग इट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो डालूं तो वो आप तक पहले पहुंचे।